अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूनी फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है उसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी ऑन माय इंस्टाग्राम, सो आई थॉट कि मैं ये रिकॉर्ड करूँ। आई जस्ट ऑर्डर्ड फ्यू क्लोथ्स फ्रॉम शीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेलबर्न में लॉकडाउन है, अगर नहीं पता तो मैंने अभी बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया पूरे में लॉकडाउन है और हम ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। सो मुझे लगा कि पार्टी वाले कपड़े शपड़े ऑर्डर करने का या जो रेगुलर क्लोथ्स हैं ऑर्डर करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा है, क्योंकि हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। अपने लिए भी बंदा ऑर्डर करता है, नॉट जस्ट फॉर अदर्स, बट यार बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो चुकी थी। सो मैंने फाइनल डिसाइड किया कि घर के अंदर रहना है, और घर के अंदर जो है लाउंज वेयर और स्लीप वेयर जो हैं वो अच्छे अच्छे अगर बंदा पहने रोज नए कपड़े और तैयार हो, और या फिर रात को सोने से पहले अच्छा सा कपड़े चेंज करके परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के सोए तो बड़ी मज़े की नींद आती है और ख्वाब भी अच्छे अच्छे आते हैं। सो इसलिए मैंने शीन से ऑर्डर किए अपने लिए 6 स्लीपिंग सूट्स, और उसके साथ मैंने लगे हाथों अरूष के लिए भी कुछ कपड़े ऑर्डर्स कर लिए। सो इन दिस वीडियो आई विल बी इंक्लूडिंग शीन किड्स रिव्यू एज वेल, और लाउंज वेयर और स्लीप वेयर का मैं रिव्यू दूंगी, आपको सारे कपड़े दिखाऊंगी। 6 ड्रेसेस मेरे हैं। आई ऑर्डर 4 समर ड्रेसेस फॉर अरूष विच वर लाइक रियली चीप, $5 to $10 के बीच में है सारे, और मुझे बड़े अच्छे लगे, डिजाइंस बहुत अच्छे थे। एंड ऑल्सो अरूष वॉन्टेड टू बाय सम क्लोथ्स विच आर लाइक मोर गर्लिश एंड नॉट चाइल्डिश एनी मोर, बिकॉज शी थिंक्स दैट शी इज टर्निंग 8 नेक्स्ट मंथ, सो शी थिंक्स दैट शी नीड्स टू ड्रेस अप लाइक अ लिटिल बिट बिग गर्ल्स एंड नॉट लाइक बच्चों जैसे। उसको कपड़े पहनने का मज़ा नहीं आता है, सो आई थॉट कि वहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारे ड्रेसेस नजर आए, मैंने उसको दिखाया, उसको भी बहुत अच्छे लगे, सो आई जस्ट ऑर्डर्ड दोज स्ट्रेट अवे। उसके अलावा वी ऑर्डर्ड सम हेयर एसेसरीज एंड वी ऑर्डर्ड सम सॉक्स एज वेल, बिकॉज हम लोग घर में हर वक्त सॉक्स पहन के रखते हैं, बिकॉज हम शूज़ यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी सॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सो आई बाय अ लॉट ऑफ सॉक्स, ठीक है। तो फिर जो है तो मैंने सॉक्स भी ऑर्डर कर दी, क्योंकि वो भी मुझे काफ़ी चीप मिली, उनकी क्वालिटी भी मैं दिखाऊंगी, और फिर मैं आपको हेयर एसेसरीज की भी दिखाती हूँ। पहला तो सबसे पहले ये वाला हेयर बैंड है, हेड बैंड है, ये बहुत ही, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई गॉट इट फॉर $2 आई थिंक। अच्छा, मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं, मुझे ना हर चीज़ की इंडिविजुअल प्राइस याद नहीं है, सो मैं वो नहीं बताऊंगी आप लोगों को। मैं ये जितनी सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर, वो सारी की सारी मुझे पड़ी है $148 विद फ्री शिपिंग। यस, अगर आप $40 to $50 से ऊपर की शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री शिपिंग पड़ती है शीन की, एंड सो मुझे फ्री शिपिंग पड़ी। और उसके अलावा $175 का मेरा टोटल बिल बना था, बट दे गेव मी अ कूपन ऑफ लाइक आई थिंक 10% or 15% ऑफ, एंड इट जस्ट केम अप टू लाइक जो मेरा टोटल बिल फिर जो है वो आफ्टर डिस्काउंट $148 का बना। $148 में इतनी सारी चीज़ें, या मज़ा आ गया। सो आइए मैं सबसे पहले आपको अपना सबसे फेवरेट वाला स्लीप वेयर दिखाती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आई एम गोइंग टू शेयर माई मोस्ट फेवरेट बिकॉज ऑफ द मटीरियल। बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो मटीरियल है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मसला कपड़ों का ये है कि बुर आ जाती है, कितने भी अच्छे से अच्छे आप ब्रांड के कपड़े ले लें उन सब पे बुर आ जाती है। सो मेरा एक बहुत ही जो है ना टर्न ऑफ, जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न ऑफ है, वो है बुर। मैं बुर वाला कपड़ा नहीं पहन सकती बिकॉज आई हैव गॉट सम साइकोलॉजिकल इश्यूज, यू गाइस कैन से। मैं फिर उस बुर को ना खुरचती रहती हूँ, लाइक इस तरीके से नाखून से वो करती रहती हूँ या फिर उखाड़ती रहती हूँ। सो वो मेरी कंसनट्रेट लाइक जो मेरा वो होता है ना क्या कह सकते हैं आप कि मेरी टेंशन जो है ना बार बार डाइवर्ट होती है, तो इसलिए मुझे बुर वाले कपड़ों से सख्त शदीद नफरत है। सो इसलिए ना मैं ढूंढती रहती हूँ ऐसे मटेरियल जिन पे बुर ना आए। सो ये मटेरियल पे मुझे लगता है कि बुर नहीं आएगी, और ये ऑब्वियसली इस मटेरियल पे कभी बुर आती भी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स मटीरियल, जो नहीं होता स्वेट मटीरियल टाइप उसका है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सो दिस इज द टी शर्ट, इसके साथ ये टी शर्ट है, एंड आई विल शो यू गाइस पजामा। पजामा बहुत ही मजे का, आई लव दिस लाइक चेक का प्रिंट, मुझे बहुत ही चेक के प्रिंट्स अच्छे लगते हैं, और ये नीचे से इस तरीके का है। धूप आना स्टार्ट हो गई खिड़की से, तो इसलिए थोड़ा सा कलर का वो हो रहा है, लेकिन ये बेबी पिंक कलर है, और इसके इस तरीके से पजामा है, एंड ये है। अगर आप ये मुझे पहने में देखना चाहते हैं तो यू गाइज विल हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट यू गाइज कैन वॉच माई स्टोरीज एंड सी मी वेयरिंग दीज क्लोथ्स। मैं इस यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को पहन के नहीं दिखाने वाली, बिकॉज लाउंज वेयर्स हैं। Yeah, so this is my favorite, highly 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 recommended. Yeah, this is for, I got it for like $13 or $14. Yeah, $13 or $14. This is like, this is too good for $13, like too good.
और आई थिंक आई बी वेयरिंग दिस 24/7। ठीक है, अब बीच बीच में हेयर एक्सेसरीज दिखा देते हैं। एक तो मैंने आपको दिखा दी, फिर मैंने आपको स्लीपिंग सूट दिखाया, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी स्क्रंचीज। यस, सो आई ऑर्डर दी स्क्रंचीज, आई थिंक ये $3 या $4 की थी, एंड वी गॉट ऑलमोस्ट 12 स्क्रंचीज। मैं और अरुष दोनों हेयर एक्सेसरीज शेयर करते हैं, और उसका फिर ये नुकसान ये होता है कि अरुष कीप्स लूजिंग देम, स्पेशली द पोनीज एंड द स्क्रंचीज। सो इसका मैं मटेरियल आपको दिखा देती हूँ, सिल्क मटेरियल में है ये स्क्रंचीज। सो इसमें ब्लैक कलर की हैं चार, आई थिंक चार वाइट हैं, लाइक ऑफ वाइट, चार ग्रे हैं, और चार ये लाइट ब्राउन हैं, और ये हैं, आई थिंक टोटल 12 हैं। और इनका इलास्टिक जो है इट्स गुड, सिल्क की क्वालिटी इज नॉट वेरी हाई आई वुड से, बट यार $3-4 में क्या आता है, लाइक 12 स्क्रंचीज तो कभी नहीं आती। यहाँ पे $6 से $7 की आती हैं, और उसमें 2 या 3 स्क्रंचीज होती हैं, दैट्स इट। या सो दिस इज लाइक वेरी चीप, और उस घुमा भी दे दो टेंशन नहीं था। सो ये स्क्रंचीज बहुत अच्छी लगी मुझे। उसके अलावा मैं आपको अपना नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ, ड्रेस आई मीन के नेक्स्ट स्लीप वेयर दिखाती हूँ। मुझे सिल्क के कपड़े बहुत मजे के लगते हैं सोने के लिए, स्पेशली बहुत मजे की नींद आती है उनमें, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट एंड आई डोंट नो, बड़ी रॉयल सी फीलिंग यू नो आती है, प्रिंसेस टाइप की फील आती है। अच्छा, सो दिस इज द शर्ट, ये जो मेरा पीछे सेट है इसकी शर्ट ये है, आई थिंक ये विक्टोरिया सीक्रेट की उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है, एंड द क्वालिटी इज रियली गुड। सिल्क का जो मटेरियल है ये बहुत अच्छा है, फटने वाला नहीं है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगी है ना, वो ये लगी है कि पूरे का पूरा ड्रेस ओवरलॉक हुआ हुआ है, लाइक जो सिल्क के वो जो धागे निकलने का चांस होता है ना, देयर इज नो चांस, आई डोंट नो, अगर ये उधड़ जाए या आपने छोटा साइज ले लिया, बड़ा साइज ले लिया, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ उधड़ उधड़ जाए तो आई एम लाइक, बिकॉज दिस इज नॉट अ पेड रिव्यू, आई एम शेयरिंग वॉट एवर आई फेल्ट अबाउट दीज क्लोथ्स, और जैसा मुझे इनको देख के या पहन के लगा बस मैं वो शेयर करी हूँ अपना रिव्यू। दिस इज नॉट अ पेड रिव्यू और कॉन्टेंट, सो या डोंट वरी अबाउट इट, के आई एम जस्ट ब्रैगिंग अबाउट इट, इट देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो ये देखिए पूरे का पूरा रफू हुआ है अंदर से, सो आई रियली लाइक दिस थिंग। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो वरना लंबी हो जाएगी। सो दिस इज माई शर्ट, और इसके साथ ये पजामाज है, और इनके नीचे भी डिजाइन बना हुआ है। I ordered size large. They are actually true to size, but I would say कि आप एक साइज बड़ा ऑर्डर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आई डोंट नो वाई बट दैट्स वॉट आई फील, स्लीप वेयर में हमेशा एक साइज बड़ा खरीदना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आप टेढ़े मेढ़े इधर उधर अंगड़ाइयाँ एंगल्स चेंज करते रहते हैं, एंड देन कपड़े जो होते हैं वो जल्दी फट जाते हैं। सो दैट्स वाई आई यूजली वेयर स्मॉल और मीडियम साइज, आजकल मीडियम पहन रही हूँ बिकॉज आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, वरना मैं स्मॉल साइज पहनती थी पहले। सो आजकल मैं मीडियम पहन रही हूँ तो इसलिए मैंने लार्ज ऑर्डर किया, अगर मैं स्मॉल पहन रही होती तो मैं मीडियम ऑर्डर करती। सो या दे आर एक्चुअली ट्रू टू साइज, और आप लोग देख भी सकते हैं दिस इज द लार्ज, मतलब ये लार्ज साइज है एंड इट लुक्स लाइक लार्ज। सो एक जो नेक्स्ट ड्रेस है उसका पजामा ये है, दिस इज ब्यूटिफुल 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 ग्रीन कलर, ये वो कलर वीडियो में नजर आई डोंट थिंक सो कि आ रहा है जो ये रियल कलर है बिकॉज ऑफ द सनलाइट, लेकिन ये बहुत प्यारा बॉटल ग्रीन टाइप कलर है। और इसके भी पजामे पे पैटर्न बना हुआ है नीचे, आई विल शो यू द जल्दी से इसकी शर्ट एज वेल। मजे की बात यह है कि सब में पॉकेट्स भी हैं, मतलब या कोई फायदा नहीं है रात को सोते वक्त आपने क्या रखना होता है अंदर, लेकिन या दे लुक नाइस। सो या दिस इज द सेकेंड वन, एंड नाउ आई क्विकली शो यू द थर्ड वन। गर्मियां आ रही थी तो मैंने कहा चलो एक हाफ स्लीव भी ऑर्डर कर देते हैं, सो आई हैव ऑर्डर्ड वन। इसका प्रिंट मुझे बहुत मजे का लगा था, आई रियली लाइक द प्रिंट, आजकल इसका ये जंगल प्रिंट श्रिंट चल भी पड़ा रहा है, इन है काफी ज्यादा, ये ब्लू एंड ग्रीन है, दिस इज ऑल्सो सिल्क मटेरियल। अच्छा, जो मैंने फर्स्ट दिखाया था उसके अलावा अभी तक बाकी जितने भी दिखाए हैं वो सब सिल्क मटेरियल है। सॉरी गाइस इफ आई एम टॉकिंग टू फास्ट, और मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, बट यार वीडियो लंबी हो जाती है एंड देन या यू गाइज विल लूज इंटरेस्ट और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, फिर जो लंबी वीडियो होती है वो बहुत बहुत इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अपलोड। सो नेक्स्ट वन इज दिस वन, और मैं बार बार काट के लाइक टेक्स लेके वीडियो बनाना मुझे मजा नहीं लगता, फिर वो जोड़नी पड़ती है एंड इट टेक्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम इन एडिटिंग। और अब ये है, ये जो है ना दिस इज नॉट टी शर्ट मटीरियल, इट्स लाइक बहुत ही सॉफ्ट सा मटीरियल है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है ये वाला मटीरियल धुल के उतना अच्छा नहीं एंड में रहेगा, शायद खराब हो जाए, बट इसका बट या दिस इज नॉट बैड, लाइक
आई थिंक दिस वन इज फॉर $11. सो ये प्लेन पजामा है, ये मैंने सिर्फ व्हाइट कलर की वजह से ऑर्डर कर दिया. माई हस्बैंड लव्स व्हाइट कलर एंड ही लाइक्स व्हाइट ऑन मी, सो दैट्स व्हाई, दैट इज द ओनली रीजन आई ऑर्डर दिस. और मुझे डॉट्स अच्छे लगते हैं. सो ये पजामा था, और इसके साथ जो है ये वाली शर्ट है, दिस इज ऑल्सो लार्ज साइज. सो या इनकी जो लेंथ है ना शर्ट्स की, वो बहुत ज्यादा नहीं है. सो दिस इज अनदर रीजन कि लार्ज मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा. उसके बाद जो दूसरा हेडबैंड है वो ये है. दिस हेडबैंड इज ऑल्सो वेरी 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 नाइस. आई रियली लाइक द बो. और इसका मटेरियल इज नॉट वेरी वेरी हाई क्वालिटी बट इट्स गुड. ये वाला जो मटेरियल है ये, दिस इज रियली हाई क्वालिटी एंड आई लव दिस पैन एज वेल. सो या ये एक हेडबैंड हो गया. अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा ड्रेस है. उसके बाद मैं आप लोगों को जल्दी से अरूष के ड्रेसेस दिखाती हूँ. सो दिस वन अनदर वन आई रियली लव दिस. ये टी शर्ट मटीरियल है और इसका भी ये पजामा इस तरीके का है. दे ऑल आर इन साइज लार्ज. पाकिस्तान में शिपिंग होती है कि नहीं, सॉरी गाइज, बट आई सीरियसली डोंट नो, बट ऑस्ट्रेलिया में और बाकी दुनिया में होती है. इसका टी शर्ट मटीरियल है और इसका मटीरियल बहुत अच्छा है. स्पेशली जो शर्ट का मटीरियल है ना, आई जस्ट लव इट. वो पजामा था और ये शर्ट है. एंड आई रियली लाइक लव दिस पैंडा. लाइक मैंने जब ये पहना, ये मैंने एक दफा पहन लिया. सो अरूष वाज सेइंग, मम आई यू लुक लाइक अ पैंडा. सो या, बट दिस इज काइंड ऑफ वेरी क्यूट. आपको पहन के बड़ी क्यूट सी और मजे की फीलिंग आती है. उसके अलावा नेक्स्ट अब बारी है सॉक्स. मैं आप लोगों को सॉक्स भी दिखा देती हूँ. सॉक्स का मटीरियल बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, बट $5 के 6 पेयर्स थे, विच वॉज लाइक वेरी 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 रीजनेबल एंड चीप. सो आई गॉट वन पैक जिसमें 6 पेयर्स हैं सॉक्स के. और फिर जो है मैंने पाँव से ऐसे करके उठाया, ये मदारीगर बनी हुई हूँ मैं इस वक्त, ताकि आप लोगों को जल्दी से दिखा सकूँ और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. तो सॉक्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी, बस ओकेश है, बट घर में रफ पहनने के लिए बहुत अच्छी है. लाइक $5 में 6 पैक्स, जो कि मेरे इट विल लास्ट मी लाइक फॉर 3-4 months, विच इज मोर देन इनफ फॉर मी. अब ये है अरूष का ड्रेस. सो लुक एट दैट गाइज, इट्स सो प्रिटी. आई लव द डिटेल्स ऑन द स्लीव्स. ये इसकी स्लीव्स हैं और इसके ऊपर ये नेट की स्लीव्स हैं और उसके ऊपर ये छोटे छोटे क्रिंकल के फ्लावर्स बने हुए हैं. इट्स सो ब्यूटिफुल. और ये पहना हुआ, इसकी फिटिंग इतनी प्यारी थी, इसकी बहुत 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 प्यारा लग रहा था. अरूष के लिए आई ऑर्डर बिग साइजेस. दिस इज साइज 10. सो ये 10 साल के बच्चे का साइज है जो मैंने अरूष के लिए ऑर्डर किया. बिकॉज अरूष इज माशाल्लाह 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 वेरी टॉल. शी इज जस्ट लाइक हर डैड एंड आई एम ऑल्सो टॉल. सो शी गॉट द लाइक उसकी जो 97-98% में जो ऑस्ट्रेलियन बच्चे हैं उन जितनी उसकी हाइट है. सो शी इज वेरी टॉल. सो दैट्स वाई आई ऑर्डर अ बिग साइज फॉर हर. बट यू कैन ऑर्डर लाइक आई थिंक एक साइज बच्चों का आप भी बिग ऑर्डर कर दें. देसी माँ हूं ना, इसलिए कह रही हूँ. सो या, मुझे फिट साइज के कपड़े अच्छे लगते हैं. मुझे छोटे छोटे कपड़े पहने अच्छे नहीं लगते, या बहुत बड़े हों बच्चों के वो भी अच्छे नहीं लगते. एग्जैक्ट साइज होना चाहिए. सो ये उसको बहुत ही प्यारा लगा था पहन के. और इसके साथ ये बेल्ट भी है. बेल्ट आप बांध सकते हैं आगे या पीछे, जहाँ भी बांधना चाहें. तो दिस इज मटीरियल कौन सा है? इसका मटीरियल का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे वो जर्सी मटीरियल टाइप नहीं होता वो है. ठीक है, अच्छा ये हो गया वन. एंड देन सेकेंड वन इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. प्लेन है ये, टी पिंक कलर, विच इज लाइक माई फेवरेट. दिस इज अनदर ड्रेस. ये लॉन्ग ड्रेस है, लाइक इट्स यू नो विद द कट्स. इसकी ये नीचे कट्स हैं और शी कैन वेयर इट विद लेगिंग्स. और ये कैप स्लीव्स है इसकी और इस तरीके से है. एंड दिस इज ऑल्सो 10 year old, मतलब 10 साल के बच्चे का साइज है. और इसके साथ भी ये बेल्ट भी है. अगर अरूष मानी तो मैं उसको सारे कपड़े पहना के छोटा सा क्लिप बना के एंड में लगा दूंगी. अगर वो ना मानी तो सॉरी गाइज. अच्छा एक और रह गया बस इसके बाद. और ये वाला आई जस्ट लव दिस वन. दिस इज माई सेकेंड फेवरेट. ब्लैक वाला फर्स्ट फेवरेट था. सो दिस इज अ लॉन्ग ड्रेस, मैक्सी ड्रेस, लॉन्ग मैक्सी ड्रेस. एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. जो बेस्ट चीज है ना इसकी, इसका कट है और इसकी लाइक स्टिचिंग है. लाइक इट्स वेरी 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 प्रॉपर फिटिंग वाला जो है ना, बहुत ही प्यारा है. और अरूष लव्ड इट. ये वाला जो इसमें मैंने साइज 9 ऑर्डर किया है, क्योंकि वो मुझे देखने में पता चल रहा था कि लग रहा था कि साइज 9 इसको सही रहेगा. और या ये फुल
टखनों तक इसकी लेंथ नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है, लाइक मिड थाइस तक है इसकी लेंथ अरूश को। अगर फुल लेंथ, अगर मैं 10 या 11 ईयर ओल्ड लेती तो शायद वो उसके पैरों तक होता, बट मुझे पैरों तक बच्चों पे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो। या सो मैंने ये लिया है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है और इसका मटेरियल भी वही जर्सी टाइप मटेरियल जो होता है ना, इस मटेरियल का सबसे बड़ा फायदा होता है ये है इसका कलर्स फेड नहीं होते, और दूसरा जो है इसके ना अंदर वो नहीं आती, बुर नहीं आती, अगेन द सेम रीजन। ये भी जो है ये जर्सी टाइप मटेरियल है, और ये जो है ये कॉटन एंड जर्सी मिक्स है। ये वाला उसने पहना हुआ था, गंदा था, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो आजकल टाई एंड डाई का ऑस्ट्रेलिया में बहुत फैशन है, आई डोंट नो अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है। सो दिस इज अगेन अ लॉन्ग मैक्सी ड्रेस, और ये भी पैरों तक नहीं है, उसको थोड़ा सा ऊपर है, एंड दिस इज ऑल्सो साइज 9। अगर मैं 10 लेती तो पैरों तक होता, सो शी कैन ईजीली वेयर। इसके ऊपर वो डेनिम की जैकेट उसने पहनी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये वाला जो ड्रेस है इसके ऊपर जो है वो उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहन के मैंने ट्राई करवाई, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसके पास ब्लैक लेदर की जैकेट है। इवन इसके ऊपर भी ब्लैक लेदर जैकेट बहुत प्यारी लग रही थी, और बड़ा फॉर्मल सा लुक आ रहा है, और इसके साथ ये वाला हेयर बैंड इतना मैच हुआ है, सो बड़ा परफेक्ट सा ड्रेस हो गया था। इसके ऊपर जरूरत नहीं है कुछ भी पहनने की, बिकॉज इट हैज गॉट स्लीव्स, तो ये इस तरीके से है। ये वाले जो है अगर जैकेट्स के बगैर पहनना चाहें तो भी पहन सकते हैं, बट आई प्रेफर अरूश टू वेयर जैकेट ऑन टॉप, या आई डोंट नो व्हाई, सो या सो उसके ऊपर ये पहनती है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे अब सांस चढ़ गया है और मैं थक गई हूँ। आई होप सो कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल साबित होगी, और आप लोग डिसाइड कर सकेंगे कि आप लोगों ने अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं कि नहीं। आई वुड रिकमेंड शीन किड्स, बिकॉज ये सारे के सारे मुझे 5, 8, 10 डॉलर के पड़े हैं, और ये 4 ड्रेसेस हैं। आई एम गोइंग टू ऑर्डर मोर एंड मोर फॉर हर, बिकॉज समर्स आर कमिंग, और बच्चों के रोज कपड़े गंदे होते हैं, और वैसे भी मुझे बच्चे जो होते हैं ना वेल ड्रेस्ड बच्चे बहुत पसंद हैं। मुझे आई डोंट नो, आई डोंट लाइक, बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं, बट मेरा दिल चाहता है कि बच्चा वेल ड्रेस्ड हो, मैला कुचैला ना फिर रहा हो। सो मुझे, मैं अरूश को कपड़े बनाने का बहुत शौक है, सो आई एम गोइंग टू ऑर्डर सम मोर समर ड्रेसेस फॉर हर सून इंशाल्लाह ताला, और मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी, बट पहले वो ये वाले एक दफा यूज हो जाए तो फिर मैं और ऑर्डर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि इनकी क्वालिटी कैसी रही, दे लास्टेड फॉर लॉन्गर और नॉट, अभी ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेल। लेकिन जो मैं शीन से कपड़े ऑर्डर करती हूँ, आई यूजुअली ऑर्डर द यू नो जॉर्जेट मटेरियल, सो जॉर्जेट मटेरियल तो इट लास्ट फॉर एवर, लाइक हमारे जो बचपन के जॉर्जेट के ड्रेसेस थे अभी तक अम्मी के वैसे पड़े हुए हैं, ना वो किसी को देती हैं ना वो फेंकती हैं, सो या यू नो देसी मॉम्स। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट वो भी फायदा उठा सके इस वीडियो से, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।